बिहार मिथिला फेस्टिवल 3 दिन के लिए आयोजित किया था, 12, 13 और 14 तारीख को। हम यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चों को बिहार की क्या, बिहार की पेंटिंग, बिहार के डांस और इसके साथ बिहार के क्या क्या जो चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण, उनके बारे में बच्चों को बताया जा रहा है और साथ ही उनको अवार्ड दिया जा रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या परफॉर्मेंस उन्होंने किए। तो आपको दिखाते हैं कि बिहार के बारे में क्या क्या बताया जा रहा है और कितना कितने अवार्ड से बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है। आंटी, ये सब जो चूड़ी लगा रही है खुद से लगा रही है, बनाकर से बना हुआ, पूरी तालियां हो जाए, हैंडमेड है, हैंडमेड है, लाठी है, जो तालियां ना बजाए 500 रुपए खो जाए, मिथिला पेंटिंग खुद से, और जो तालियां बजाए उनको 5000 मिल जाए। अच्छा, बिहार के बारे में ताली तो बजा दो, मिथिला पेंटिंग बिहार के लिए पेंटिंग मधुबनी से जो है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सब जगह तो बनता ही। एक्चुअली इसके पीछे रामदेव बाबा ने कहा है कि तालियां जो बजाते हैं उनके हेयर फॉल बहुत कम होते हैं, बिक रहा है लैटी, और जल्दी अगर चाहते हो कि कितना टाइम लगता है ये सबको बनाने में, मेहनत तो लगता है, ना हो घंटा 3 घंटा तो तालियां बजा दो, अगर ज्यादा ताली बजाओगे तो 2 घंटा बहुत सारे हेयर होते हैं, तैयारी करना ज्यादा आएंगे, नहीं लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। अच्छा, लड़कियों को रिंकल कम आएंगे, तालियां बजाओगे तो रिंकल कम आएंगे, डार्क सर्कल्स कम आएंगे, तालियां हो जाए। मधुबनी पेंटिंग से तो कैसा लग रहा है, किस चीज का अवार्ड मिला है? मुझे ड्राइंग का अवार्ड एंड डांस का अवार्ड। और कल आप में से ही एक गेस्ट हमारे बीच आई थी प्रो डांस एकेडमी से, बहुत ही खास परफॉर्मेंस लेके आए थे, ये गाना इन दिनों बहुत ही ट्रेंडिंग है, ये गाना उनके खिलाफ है जो डाउरी लेते हैं, दहेज लेते हैं, गाना का कोई हिंट बता सकते हैं? हाथी लेवे, घोड़ा लेवे, ये बताइए कि लेवे हीरो होंडा, लगावे चार डंडा दिमाग, तो इन लोगों ने कल परफॉर्म किया था इस गाने पर, तो मैं प्रो डांस एकेडमी के सारे यहाँ पे कंटेस्टेंट को बुलाना चाहूंगी, फोक डांस कजरी है, ये लोग सब पटना के ही हैं, प्रो डांस एकेडमी से स्पेशल परफॉर्मेंस लेकर आए थे कल यहाँ पर इस मंच में, यहाँ पे प्रस्तुति दिए थे, बहुत ही खूबसूरती से साथ थी, खूब एनर्जी थी और क्या एक्सप्रेशन थे, माइंड ब्लोइंग। प्रो डांस एकेडमी, कंग्रेचुलेशन, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ पे आई है, कैसा लग रहा है, एक्सपीरियंस कैसा है? वी आर फीलिंग वेरी प्राउड एंड वी एंजॉयड अ लॉट हियर, और बहुत इस इवेंट के डिजिटल पार्टनर है, इंस्टाग्राम पे काफी फॉलोअर्स हैं, गर्दा पटना, थैंक यू अश्विनी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अभिषेक सर, गर्दा पटना के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इस इवेंट की आप झलकियां आप ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, डिजिटल पार्टनर है गर्दा पटना और of Bihar, which is, so are you guys ready to rock? So what is the, like, what is the importance of Bihar in your sense? Why do you perform the kajri, kajri dance? In Bihar we shows our culture, that is a good culture of Bihar. People of other states think that Bihar is not a good state. This is a local state, but not, this is a very good state. If they will come here, they will also feel very proud, because we show our culture here. We never show that people from other state are not representing us at all. कैसा लग रहा है, अवार्ड मिला है? बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने पहली बार सिटी सेंटर आया, वहाँ पे फोक डांस परफॉर्म किया, और स्पेशल थैंक्स मुकेश सर को जाता है जो कि हमारे डांस टीचर हैं, उनके बिना ये चीज मिल। अच्छा, फोक डांस क्यों बिहार का, क्या आपके आपके सेंस में क्या, क्यों फोक डांस क्यों? बेसिकली हर एक स्टेट का अपना एक फोक डांस होता है, तो जैसे कि हम लोगों ने, जैसे सरहुल झिझिया, हम लोगों ने कजरी डांस परफॉर्म किया था, जो कि मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंस मायने रखता है। फर्स्ट अवार्ड मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, नाइस लग रहा है। क्या यहाँ पे क्या तुम परफॉर्म की थी? मैं कठपुतली बनी थी। कठपुतली, कौन सा डांस की थी? कठपुतली डांस की थी। तो मतलब एक कितने प्रैक्टिस कैसे की थी, कितने दिन में प्रैक्टिस हुई थी? एक दो दिन में ही की थी। फर्स्ट अवार्ड लाई हो, कैसा लग रहा है, किसको थैंक्स बोलोगी सबसे पहले? सबसे पहले अपने मम्मी पापा को, मम्मी पापा, तुम किस चीज में अवार्ड लाए, क्या किस चीज में? सेम। तो कैसे इसमें इंटरेस्ट कैसे आया, कठपुतली डांस में? इंटरेस्ट तो मेरा बचपन से ही है। बचपन से ही है, नाइस। स्नेहा शाह, कितने दिन लगे, कितने दिन लगे स्नेहा शाह? एक दो दिन लगे।
कौन सा रैंक मिला? फर्स्ट रैंक किस चीज में? पेंटिंग में। अच्छा, मिथिला पेंटिंग आप चूज किया, आप यहाँ पे आई तो आपको पता होगा ना कि मिथिला पेंटिंग बिहार का है। हाँ। तो क्या आप इसका इम्पोर्टेंस क्या रखती है मिथिला पेंटिंग? मैंने कहा था जो ड्राइंग में था मेरा था फिश, उस पे सारा फोकस था मेरा, बाकी भले ही टाइम नहीं था हमारे पास, सफिशियंट टाइम की कमी थी, पर मैंने सारा फोकस फिश पे रखा, जितना डिटेल्स हो सके, जितना डिटेल्स मैंने डाला सब भर भर के उसी पे डाला, कि जितने आने जाने वाले लोग थे सब उसी को देख के बोल रहे थे कि हाँ ये सही है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसी फोटो से मैंने बनाया। और अच्छा, मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानती हैं? बिहार का ये फेमस पेंटिंग है, ज़्यादातर हर स्ट्रीट्स में मिलेंगे आपको, दीवार पे मिलेंगे, लगा बनाए हुए बच्चे को भी बनाते हैं, दीवार पे बनाएंगे, तो ये हमारे बिहार का बहुत फेमस पेंटिंग है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे टफ था पर हाँ एक्सपीरियंस, बहुत चीज़ सीखने को भी मिला है यहाँ पे। ये सब जो सारी पेंटिंग्स हैं ये मिथिला पेंटिंग्स हैं, खुद से बनाई हैं आप? से बनाया, हाथ से बनाया। ये हैंडमेड है? टोटली हैंडमेड। अच्छा, बिहार की ही है आप? हाँ। तो मिथिला पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए, यहाँ पे आप स्टॉल लगाई हैं बिहार मिथिला फेस्टिवल में? मिथिला पेंटिंग जैसे ये बिहार मिथिला फेस्टिवल है ना, तो इसके लिए इन लोगों को चाहिए कोई भी ऐसा आर्टिस्ट जो मधुबनी पेंटिंग पे काम करता हो, उनके पास इस तरह का प्रोडक्ट हो, वजह से इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट। अच्छा, इस कारण से। ये सब आप जो भी पेंटिंग्स हैं जो खुद से बनाई हैं, हाँ, क्या रेट्स क्या क्या हैं ये सब सबके? इसका रेट जो है कितनी सुंदरता और कितनी बारीकी से इसमें काम किया हुआ रहता है उसके हिसाब से इस प्रोडक्ट का प्राइस रहता है। ये जो प्लेट्स हैं और फिर ये सब बैग हैं, खादी वादी, ये सब सारे खुद से आपने बनाए हैं? हाँ। कितना टाइम लगता है? लग जाता है, डिपेंड करता है, कोई आधा घंटे में भी बन जाता है, कोई किसी में 5 दिन भी लग जाते हैं, तो लेंथ ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है, बारीकी पे भी डिपेंड करता होगा।